अगला अध्याय। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग हो जाने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव की अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत और विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली, वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ वह सारी घटना उन्हें कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग ना देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जागवश शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कार कर दिया। हम उनका मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से हमें आप बचाइए, निर्भय कीजिए महाप्रभु। उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना, सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां जा पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात, शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए हुए तुमने शीघ्र ही सारा वृतांत सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोकसंहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत पर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों के अगुआ हुए। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था, वे 1,000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र क्रोध पूर्वक प्रकट हुए, निश्वास से 100 प्रकार के जौ तथा 13 प्रकार के सनिपात रूप पैदा हो गए। तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई जो ज्वर पैदा हुए वे सबके सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब ओर दाह उत्पन्न करते हुए प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए, मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा। ईशान,
मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है। हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं। शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना कभी पहले हुआ था ना आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो भैवी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शंभु, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी से कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपके आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर, आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र ही भेजिए। शंभु, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ के आधार हैं, जिसमें आपकी सुदृढ़ भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है, उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उसकी यह बात सुनकर सर्व मंगल कार्य के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने में लगा हुआ है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्दत है, तुम याक परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा कोई अन्य तुम्हारा सामना करने के लिए उद्दत हो तो उन्हें भी आज तुम शीघ्र ही सहसा भस्म कर डालो। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं तुम उन्हें निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त तो वहां ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हुए हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात शीघ्र तुम लौट आना। तुम्हारे वहां आने पर विश्वदेव आदि सभी देवगण भी यदि तुम्हारे सामने तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला में जलाकर ही छोड़ना। वीर, वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधुओं सहित जलाकर जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जो वैदिक मर्यादा के पालक काल के शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए।